आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑर्गन्स वन बाय वन। अपन जो है कल वाला लेक्चर था उसके अंदर जो है अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर देखी थी पूरी। इवन जो है कुछ स्टेप्स के बारे में भी देखा था अपन ने कि न्यूट्रिशन की कौन कौन से स्टेप्स होती हैं। लेकिन आज जो है अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले बकल कैविटी और माउथ के बारे में, कि माउथ क्या होता है, बकल कैविटी क्या होती है। ओके, टुडे वी विल टॉक अबाउट माउथ एंड बकल कैविटी। सबसे पहले जो है माउथ के बारे में बात करते हैं। माउथ होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एंटीरियर ओपनिंग जो होती है, एंटीरियर इन द सेंस आगे वाली जो ओपनिंग होती है, दैट एंटीरियर ओपनिंग इज नोन एज माउथ। एंटीरियर ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज माउथ। जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की आगे वाली जो ओपनिंग होती है उसको अपन माउथ बोलते हैं। माउथ के अंदर जो है टीथ पाए जाते हैं, एंड दीज टीथ आर सराउंडेड और दीज टीथ आर सिचुएटेड इन जॉज। बट अंदर अपन देखते हैं कि कैविटी पाई जाती है, लाइक यू कैन ऑल्सो सी दिस कैविटी। अंदर जो है कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को जो है अपन बोलते हैं बकल कैविटी। And sometimes it is also known as oral cavity. इसको जो है अपन oral cavity बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कि oral cavity जो है किस तरीके से form होती है, या फिर कौन कौन से structures जो है वो आपस में support करके oral cavity को बना रही है। oral cavity के अंदर अपन देखते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला जो region होता है, that region is palate. उसको अपन बोलते हैं palate. ये जो palate है ये bones और cartilage दोनों से मिलकर बना होता है। तो जो इसके अंदर जो आधा region है, that half of the region, that half of the region is bony. This is bony. We can say anterior part of palate. Palate का जो anterior part होता है वो तो bony होता है, and it is consist of two bones, maxilla and second is palatine. आगे वाला portion जो है bone से मिलकर बना होता है, और bone भी कौन कौन सी होती है, maxilla and palatine। जबकि जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है, दैट पोर्शन इज कार्टिलेजिनस। दैट पोर्शन इज कार्टिलेजिनस एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज आर ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट बोन। ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, और आगे चलकर जो है कार्टिलेज जो है एक इनफोल्ड बनाती है। यू कैन ऑल्सो सी दैट इज द इनफोल्ड। उस इनफोल्ड को अपन बोलते हैं यूव्यूला। यूव्यूला जो है इसका मेन फंक्शन होता है कि कोई भी फूड पार्टिकल जो है वो तो नेजल चैम्बर के अंदर नहीं जाए, और किसी प्रकार की जो अपन रेस्पिरेशन के अंदर एयर ले रहे हैं वो किसी प्रकार की जो है ओरल कैविटी के अंदर नहीं जाए। इन दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करने का या फिर सेपरेट करने का जो फंक्शन करता है, दैट इज द यूव्यूला। यूव्यूला जो है एक एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन भी किसका होता है पैलेट का। पैलेट की भी कौन से रीजन का होता है, जो किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। ओके, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। जस्ट पैलेट के ऊपर जो है नेजल चैम्बर पाया जाता है। इसके अलावा जो नोज की ओपनिंग होती है उनको अपन नोस्ट्रल्स बोलते हैं। नेजल चैम्बर जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट वी ऑल्सो टॉक्ड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेजल चैम्बर के बाद में जो है फिर इंटरनल लेयर्स पाए जाते हैं, और इंटरनल लेयर्स जो है आगे जाकर किसके अंदर खुलते हैं, नेजोफेरिंक्स के अंदर। ओके, नेजोफेरिंक्स जो है फिर जो है आगे जाकर किसके अंदर ओपन होती है या फिर खुलती है, इन द लैरिंग्स, और लैरिंग्स के थ्रू किसके अंदर चली जाती है, ट्रैकिया के अंदर चली जाती है। इसके अलावा जो भी अपन ने फूड अंदर लिया है, दैट फूड विच वी आर इनटेकिंग, वो भी आगे फेरिंग्स के अंदर आ रहा है। उस फेरिंग्स को अपन बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और ओरोफेरिंग्स से फिर जो है ये किसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, ईसोफेगस के अंदर। तो ईसोफेगस की जो है एक ओपनिंग पाई जाती है, उस ओपनिंग को अपन बोलते हैं गुलेट। जिस तरीके से ट्रेकिया की ओपनिंग को अपन ग्लोटिस बोलते हैं, सेम उसी प्रकार से ईसोफेगस की ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, गुलेट। बट देयर इज क्वाइट डिफरेंस बिटवीन द ग्लोटिस एंड गुलेट। जो ग्लोटिस है इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है। ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया जाता है, दैट इज नोन एज एपिग्लोटिस। जबकि गुलेट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जो है कार्टिलेजिनस फ्लैप नहीं पाया जाता है। ये हमेशा ओपन होती है, बट यू
यू आर थिंकिंग लाइक कि जब भी अपन खाना हो अपन एयर ले रहे हैं तो एयर इसके अंदर जा सकती है, ऐसा नहीं होता है। ये जो एपिग्लोटिस है जब भी अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं तब तो ये किसको कवर कर लेता है, ईसोफेगस को, और जब भी अपन खाना खा रहे हैं उस टाइम भी किसको कवर कर लेता है, ट्रेकिया को। तो ये जो है ड्यूअल फंक्शन करता है, समटाइम इट कवर्स टू द ट्रेकिया एंड समटाइम इट कवर्स टू द ईसोफेगस, दैट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। तो जो भी आपको यहाँ पे ग्रो लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को ही अपन क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। बकल कैविटी की जो आगे की ओपनिंग होती है दैट इज माउथ, पीछे की जो ओपनिंग होती है दैट इज ओरोफेरिंग्स, ऊपर वाले रीजन को अपन बोलते हैं पैलेट, और नीचे जो है एक मस्कुलर ऑर्गन पाया जाता है, दैट मस्कुलर ऑर्गन इज नोन एज टंग, दैट मस्कुलर ऑर्गन इज नोन एज टंग। और टंग के नीचे जो है फिर फर्दर अपन डिस्कस करने वाले हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, दो सीक्रेट म्यूकस, जो म्यूकस को सीक्रेट करती हैं, एक तरीके से वी कैन से जेली लाइक सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं, दैट विल टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके अंदर जो है अपन केवल किसकी बात कर रहे हैं, बकल कैविटी की, इसके अलावा माउथ आपको बता ही दिया है, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज माउथ, जबकि जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है, पोस्टीरियर ओपनिंग को जो है अपन क्या बोलते हैं, एनस, posterior opening is known as anus. anus जो है एक sphincter होता है जिसके थ्रू जो है वेस्टेज को जो है बॉडी से बाहर निकाला जाता है. okay, I hope you are understanding everything that I'm telling to you. thank you.